मेरे क्या लगते हो? कौन क्या उखाड़ता है देख लेगा। तो फाइनली दोस्तों दशहरा और भोला ने अपने 14 दिन कंप्लीट करके 15 दिन में एंट्री मार ली है और कमाई के मामले में रिकॉर्ड तोड़ नंबर सेट कर रही हैं दोनों फिल्में। दोस्तों आज जानेंगे कि पूरी दुनिया में कौन कितनी कमाई कर रही है, पहले दिन किसने कितना कमाया, ब्लॉकबस्टर हिट का टैग किसके पास है, कौन सी मूवी हिट हुई है कौन सी फ्लॉप, किस मूवी को पब्लिक से शानदार रिव्यू मिले हैं, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें नेचुरल स्टार नानी के करियर की एक बिग ब्लॉकबस्टर मूवी फिल्म दशहरा के बारे में, तो जी हां, दशहरा ने नानी को बिगेस्ट क्रॉसर बना दिया है अपने पहले दिन से ही, जहां 30 करोड़ की जबरदस्त कमाई करके एक अनब्रेकेबल रिकॉर्ड सेट किया था और पूरी दुनिया से अपने ओपनिंग डे में ही 38 करोड़ का बिग कलेक्शन भी सेट किया था। बता दूं तो श्रीकांत ओडेला के डायरेक्शन में मात्र 65 करोड़ के बजट में बनने वाली फिल्म दशहरा एक शानदार पकड़ बनाते दिख रही है पब्लिक में। दोस्तों नानी के लीड रोल में बनने वाली दशहरा उनके करियर की एक बिग ब्लॉकबस्टर मूवी है, जिसमें आपको कीर्ति सुरेश और दीक्षित शेट्टी जैसे दिग्गज स्टार भी देखने को मिलेंगे। बात करें अभी तक इस फिल्म में कितनी कमाई कर ली है, तो यस, पहले 38 करोड़ की कमाई करते हुए अपने फर्स्ट वीक में लगभग 108 करोड़ का बिग कलेक्शन किया था। ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिलते नजर आए साउथ की तरफ से, लेकिन हिंदी बेल्ट में अच्छी पकड़ बनाने में कमजोर रही मूवी। साथ ही ट्रेजेडी ये हुई कि हिंदी बेल्ट में भोला सेम डेट पर रिलीज हो गई थी। बाकी ऑडियंस की तरफ से अच्छे रिव्यूज मिलने की वजह से सेकंड वीकेंड में अच्छी कमाई करते नजर आ रही है दशहरा, लेकिन दूसरे वीक में रावणासुरा के रिलीज होने के बाद साउथ बेल्ट में भी पकड़ हल्की नजर आई। बता दूं तो अपने 12वें दिन में 70 लाख का कलेक्शन किया, 13वें दिन में 60 लाख का और कल यानी 14वें दिन में लगभग 60 लाख का कलेक्शन करते नजर आई। बात करें आज यानी डे 15 में बॉक्स ऑफिस सिनेरियो की, तो यस, आज भी सेम ट्रेंड करते हुए आगे बढ़ रही है और एंड ऑफ द डे शायद 60 लाख तक का होल्ड कर लेगी और इंडियन बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन लगभग 78 करोड़ के आसपास करेगी और 122 करोड़ का बिग कलेक्शन अपने एंड ऑफ द डे शायद पूरी दुनिया से कर लेगी। लेकिन बात करें दूसरी फिल्म यानी भोला के बारे में, तो यस, इसे भी सेम डेट को रिलीज किया गया था और अपने ओपनिंग डे में ही कुछ खास कमाई करते नजर नहीं आए। जी हां, भोला को लगभग 100 करोड़ के बजट में बनाया गया है, जिसका डायरेक्शन खुद अजय सर ने किया है, साथ ही मूवी को लीड भी खुद मास महाराजा अजय देवगन सर ने ही किया है। बता दूं तो मूवी साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म कैथी का रीमेक है। दोस्तों भोला को एक्शन क्राइम थ्रिलर से जबरदस्त सजाया गया है और मूवी ने ओपनिंग इतनी खास नहीं करी थी और अपने ओपनिंग डे में ही लगभग 11 करोड़ का कलेक्शन इंडियन बॉक्स ऑफिस से करा था और साथ ही वर्ल्ड वाइड ओपनिंग भी अच्छी खासी ली थी। वहीं शुरुआती 4 दिन के वीकेंड में 44 करोड़ का बिग कलेक्शन सेट किया था, वहीं पहले हफ्ते में 60 करोड़ का कलेक्शन इंडियन बॉक्स ऑफिस से करा था और साथ ही 85 करोड़ का पूरी दुनिया से, और अपने 9वें और 10वें दिन में भी अच्छी ग्रोथ दिखी और 9वें दिन में लगभग 3 करोड़ 60 लाख की कमाई अपने खाते में रखी थी। उसी के साथ 10वें दिन में भोला ने अपने लगभग 4 करोड़ 30 लाख की कमाई खाते में रखी थी। बात करें 11वें और 12वें दिन की, तो यस, 11वें दिन में अच्छी कमाई करते हुए लगभग 4 करोड़ 90 लाख का स्ट्रॉन्ग होल्ड देखने को मिला है। वहीं 12वें दिन में लगभग 2 करोड़ का कलेक्शन सेट कर पाई थी। बात करें कल यानी 14वें दिन की, तो यस, 1 करोड़ 20 लाख की कमाई करी थी। और बात करें आज यानी डे 15 में की कितनी कमाई कर रही है, तो यस, आज भी सेम ट्रेंड करते हुए आंकड़ा नजर आ रहा है और एंड ऑफ द डे टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 78 करोड़ के आसपास होल्ड कर लेगी। वहीं पूरी दुनिया से लगभग 109 करोड़ के ऊपर आंकड़ा सेट कर देगी और एक एवरेज ग्रॉसर मूवी साबित होते हुए ट्रेंड कर रही है। बता दूं तो दोस्तों मूवी को जबरदस्त स्टार कास्ट के साथ सजाया है अजय सर ने, जिसमें आपको ताबू, अमाला पॉल, संजय मिश्रा और दीपक डोबरियाल जैसे दिग्गज स्टार भी देखने को मिलेंगे। जी हां, मूवी बहुत शानदार है, जिसने देख लिया उन्होंने तो मजा लूट लिया है, पर जिसने नहीं देखी है जाके जरूर देखो यार, ऐसा कंटेंट बार बार नहीं आता बॉलीवुड में। दोस्तों दशहरा और भोला दोनों फिल्मों के सारे फिगर्स मैंने आपको दे दिए हैं, अब आपकी बारी है, आप लोग बताएंगे कि कौन सी फिल्म ज्यादा कमाई कर रही है, किस फिल्म को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं और आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है दोनों में से, सब कमेंट में जरूर बताओ यार। बाकी बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।